नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। 6 बजने को है और 6 बजे 6 बड़ी खबरों की बात करेंगे। सबसे पहले बात पुणे की, जहां पर हिट एंड रन केस में सजा पर सवाल उठ रहे हैं। मामले में क्या है अपडेट, विस्तार से आपको बताएंगे। वहीं बात होगी ग्रामीणों के मोर्चा बंदी की, रेत माफिया के खिलाफ लामबंदी की क्या है वजह, यह भी बताएंगे। साथ ही बात करेंगे कवर्धा हादसे की, हादसे की पड़ताल कहां तक आखिर पहुंची है ये भी बताएंगे। वहीं बात होगी 3 तलाक के अनोखे तरीके की, क्या है तरीका और कहां का है ये मामला ये भी बताएंगे। और इसी के साथ ही बात होगी मौसम विभाग के अलर्ट की, क्या कहा है मौसम विभाग ने ये भी आगे आपको बताएंगे। पुणे हिट एंड रन केस में बड़ा खुलासा हुआ है। हादसे में जो पोर्श कार शामिल थी, उस कार में नंबर प्लेट नहीं था। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जब कार बाइक से टकराई, बाइक में बैठी अश्विनी करीब 20 फुट ऊपर उछल गई। हिट एंड रन का यह पूरा केस सामने आया पुणे से और 2 लोगों की इसमें मौत हो गई। पोर्श कार ने ही धक्का मारा था बाइक को, घसीटते ये कार ले गई थी और दर्दनाक मौत इंजीनियर की हो गई इसमें। और अब जब ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद अब कार्रवाई की मांग लगातार हो रही है, क्योंकि नाबालिग को पहले गिरफ्तार किया गया था, पूछताछ हुई और फिर उसे रिहा कर दिया गया। इसी पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उसे रिहा क्यों किया गया, नए कानून के तहत उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, सख्त से सख्त सजा आखिर उसे क्यों नहीं दी जाती। ये परिजन कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि पहली गलती कि नाबालिग को इतनी बड़ी गार दे दी गई और नाबालिग को गाड़ी चलाने को क्यों दी गई, साथ ही साथ क्या ध्यान नहीं था कि वो इस तरह ड्राइविंग करता है और इस रफ्तार में गाड़ी चलाता है कि होश में नहीं होता। कई सारी लापरवाहियां इसमें सामने आई। अब मांग उठने लगी है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देखने वाली बात होगी कि ये बिल्डर का जो बेटा है, जिसने रौब भी दिखाया है, यहां पर नासमझी भी की है और गुनाह भी किया है, उस पर आखिर किस तरह की कार्रवाई होती है। यह भी बड़ी जानकारी मिल रही है कि पोर्श कार जिससे टक्कर ये कार सवार ने मारी थी, नाबालिग ने मारी थी, उसमें नंबर प्लेट मौजूद नहीं था। और इसी पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नंबर प्लेट मौजूद क्यों नहीं था। पहला सवाल तो था ही कि आखिर नाबालिग को कार क्यों दी गई, और कार दी गई उसके बाद नंबर प्लेट भी नहीं था, यह भी बड़ी बात है। अब जो है कार्रवाई की मांग इस पूरे ही मामले में हो रही है। उधर पूरे मामले के तूल पकड़ने पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के पुलिस आयुक्त और दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक की। डिप्टी सीएम ने मामले में अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दे दिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने बैठक ली इस पूरे ही मामले में, चूंकि ये मामले ने तूल पकड़ लिया है और कार्रवाई की मांग अब तेज होती जा रही है। इसके बाद डिप्टी सीएम ने पूरा संज्ञान लिया मामले में और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए हैं। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुणे पुलिस ने उस पब के 3 मैनेजरों को गिरफ्तार किया है जहां नाबालिग आरोपी ने हादसे से पहले शराब पी थी। पब के मैनेजरों पर नाबालिग को शराब परोसने का आरोप है। इसके अलावा नाबालिग के पिता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग ने पोर्शे कार से बाइक को टक्कर मार दी और इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई थी। उमरिया की बीरसिंहपुर पाली के इंजीनियर की हिट एंड रन से मौत हुई और उसके बाद आज उसका अंतिम संस्कार किया गया। अनीश अवधिया पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। अनीश की मां का रो रोकर बुरा हाल हो चुका है। परिवार ने पुलिस पर आरोपियों के दबाव में काम करने के आरोप भी लगाए हैं। उसकी क्या गलती थी, उसकी कोई गलती नहीं थी, मेरे
कब फोन आया था आपके पास? मेरे पास रात के 3 बजे से। क्या बोला किसका फोन? मेरे उसके दोस्त का फोन आया, बोला आंटी अंकल से बात कराइए, अरे इसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत सीरियस है, हम लोग इतने दूर बैठे कैसे पहुंचे, बोला जल्दी आ जाइए। उसके बाद क्या बात हुआ? बस ये लोग जल्दी जल्दी निकल गए, उसके पहले हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था। परिवार की मेंटली कंडीशन है आज उसके साथ घटित हुआ है, उसके साथ परिवार ने एक अपना जो भी उसको क्षतिपूर्ति हुई है उसकी तो कुछ क्षतिपूर्ति को कुछ कर नहीं सकता कोई, जो भी उसको आज हार हुआ है हमने अपने घर का बेटा खो दिया जो सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन हमारी ख़राब है तो मैं महाराष्ट्र सरकार से ये बोलना चाहूँगी कि आप हमें एक बेहतर सपोर्ट दीजिए जिससे हमको एक जो हमारा जस्टिस है वो हमको मिल सके। 19 तारीख की रात की घटना है, वो अपने एक मित्र के साथ एक बाइक से जा रहा था तो पीछे से पोर्से गाड़ी से एक अग्रवाल परिवार का लड़का, वेदांत अग्रवाल, विशाल अग्रवाल का लड़का, जैसे कि मीडिया से उनका नाम आया, वो पब में दारू पिया है अपनी 12th पास करने की पार्टी मनाया है और काफ़ी मात्रा में दारू पीने के बाद 150-200 की रफ्तार से वो पीछे से तेज़ी से लाया है और इसको हिट कर दिया है और ये वहीं पर स्पॉट पर पकड़ा भी गया, काफी दारू पिया हुआ था। उधर इंजीनियर अश्विनी का जबलपुर में गौरी घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। अश्विनी भी पुणे की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी। पूरा मामला पुणे से सामने आया जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, बाइक पर सवार दोनों जा रहे थे, पोर्शे कार ने पीछे से टक्कर मारी और यह बड़ा हादसा हुआ, दो लोगों की जान चली गई। इसके बाद न्याय की मांग की जा रही है परिवारजनों के द्वारा कि इस पर न्याय हो, हमें जस्टिस मिले। तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी, ये बड़ा भीषण हादसा में से कह सकते हैं जिसमें दो लोगों की जान चली गई। करोड़ की कार, दो सौ किलोमीटर की रफ्तार, एक रईस जादे के बेटे ने कार से दो लोगों को उड़ा दिया, 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्कूटर को टक्कर मार दी, स्कूटर सवार लड़के और लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एमपी के रहने वाले इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्वनी कोष्ठा की मौत हुई, दोनों एक पार्टी से वापस लौट रहे थे, कार पर नंबर प्लेट नहीं थी, कार सवार नशे में थे, टक्कर के कारण कार के एयरबैग खुल गए थे। पुणे के पॉश कार हादसे में कोर्ट ने आरोपी नाबालिग को घटना के 15 घंटे के अंदर ही जमानत दे दी। कोर्ट ने शर्त रखी कि लड़के को 15 दिन के लिए यरवदा में ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा, दुर्घटनाओं पर एक निबंध लिखना होगा, शराब पीने की आदत का इलाज और काउंसलिंग करानी होगी। वहीं पुलिस ने नाबालिग के पिता और बिल्डर विशाल अग्रवाल को औरंगाबाद से हिरासत में ले लिया है, वो घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। 17 साल का नाबालिग अपने दोस्तों के साथ 12वीं पास करने की खुशी में पब से पार्टी करके वापस आ रहा था। रात करीब 2:15 पर कार ने बाइक सवारों को टक्कर मारी थी। सबको पता है कि उसने लिकर कितना कंज्यूम किया हुआ था, कितनी स्पीड में गाड़ी चला रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, वो बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है, वो भी इतनी हाई स्पीड में, और फिर लास्ट में उसको ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि वो उसके ऊपर एक ऐसे लिख के आएगा, तो ये कोई मजाक नहीं चलता। मेरे भाई की ज़िंदगी के साथ ये बहुत बड़ा मजाक है और मैं नहीं मानती कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना कुछ इतना ब्रॉडली दिया हुआ है कि यहाँ से कोई भी दोषी जो है वो ऐसे बच के नहीं जा सकता। तो मैं महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करती हूँ कि मेरे भाई के लिए जितनी भी हो सके उतनी आप मदद कीजिए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा बेहद खौफनाक था, कार की टक्कर से बाइक सवार लड़की हवा में कई फीट उछलकर जमीन पर आ गिरी थी और युवक पास खड़ी दूसरी कार में जा टकराया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। आसपास मौजूद लोगों ने कार सवार लड़कों को पकड़ रखा था, लड़के नशे में थे, लोगों ने आरोपी लड़कों की जमकर धुनाई भी की।
है कि वो आरोपी लड़की की जमानत के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट जाएगी। अपराध बेहद गंभीर है, ऐसे में आरोपी लड़के के साथ बालिग जैसा सलूक किया जाना चाहिए। कल की जो घटना एक्सीडेंट की थी अत्यंत सीरियस, अत्यंत गंभीर, अत्यंत दुर्दैवी घटना थी। पुलिस ने इसको बहुत ही सीरियसली लिया है। इमीडिएटली इस प्रकरण में ACP दर्जा के अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन दी गई थी। 304 IPC जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का सेक्शन है वो इस केस में अप्लाई किया गया था। मैं रिपीट करना चाहूंगा कि इसमें 304A जो कि नॉर्मली एक्सीडेंट में लगाया जाता है वो सेक्शंस नहीं लगाए गए थे, इसमें 304 सेक्शन लगाया गया था। पुलिस ने अत्यंत गंभीरता से इस प्रकरण को लिया था। इस मैटर में 304 लगाने के बाद हमने कोर्ट को एप्लीकेशन मूव किया था कि इस जुवेनाइल को उसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए क्योंकि ये एक हीनस क्राइम है। पुलिस अब केस को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। नाबालिग लड़कों को शराब परोसने वाले पब मालिक के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जान की कीमत इतनी सस्ती है कि कोई रईस ज्यादा शराब के नशे में किसी को मौत के घाट उतार दे और चंद घंटों में छूट जाए। क्या सिर्फ निबंध लिखने से आरोपी का गुनाह माफ हो सकता है? क्या निबंध लिखने से इस रईस ज्यादा के दिमाग ठीक हो जाएगा? इस रईस ज्यादा ने दो घरों की चिराग बुझा दिए, दो घरों में इसके कारण आज मातम छाया हुआ है। क्या आपको नहीं लगता इसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी हमारे सर्वेश तिवारी मुंबई से सहयोगी जुड़ गए हैं। सर्वेश, बड़ी बात यह है कि इतनी चीजें सामने आ रही हैं पर उसके बाद भी कार्रवाई में इतनी ढिलाई, सिर्फ बातें हो रही हैं, आखिर ऐसा क्यों? अब नई चीज ये भी आई है कि मार्च से जो है रजिस्ट्रेशन गाड़ी का नहीं हुआ था, उसके बाद भी मार्च से लेकर अब मई खत्म होने तक को आ गया है, अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पब में शराब पी गई, नाबालिग को पिलाई गई, साथ ही साथ गाड़ी में नंबर नहीं, कई सारी बातें ऐसी जो सामने आ रही है। क्या कहा जा रहा है, किस तरह की कार्रवाई, या नाबालिग देखते हुए सिर्फ काउंसलिंग के आधार पर छोड़ दिया जाएगा? देखिए रितु जी, जिस तरह से पूरा हादसा हुआ, ये हादसा काफी परिवार के लिए सबसे बड़ा सदमा है कि उनके उनके बेटे और किसी की बेटी चली गई। लेकिन जिस तरह से पूरी कार्रवाई हुई, पहले तो ये खबर आई कि किसी बड़े रसूख के चलते मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है, और जब मामला दर्ज किया भी गया तो बेटा बेटे से लेके बाप तक दोनों मिले नहीं। बेटे को पहले जब ले गए तो उनको जमानत 15 घंटे की दे गई, उसके बाप की को लेकर जब पता चला कि फोर्स गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस तक उसके पास नहीं है, यहाँ तक कि जिस पब में वो पार्टी करने गया था उसकी उम्र के चलते उसको पार्टी में जाने के लिए इजाजत किस तरह से विशाल अग्रवाल ने दी। इतना ही नहीं, जब 15 घंटे बाद जमानत की जो अदालत ने उस पर शर्तें रखी, 300 शब्दों में एक निबंध लिखा दिया जाए, यहाँ तक कि राजनीतिक गलियारों में कई ऐसे बातें सुना दी कि कुछ लोकल जो कनेक्टिविटी है विशाल अग्रवाल के, उनके दबाव के चलते ये सब जमानत मिली है। लेकिन अब खुलकर महाराष्ट्र के गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अभी कुछ ही समय, आधे पौने घंटे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने काफी कुछ बातें, नई बातें की हैं कि इस पूरे मामले में 3 लोग नए तौर पर गिरफ्तार किए गए हैं, और ये 3 वो लोग हैं जो पब और बार के मालिक हैं। साथ ही हीनियस क्राइम, जिस तरह से निर्भया कांड हुआ था उसके बाद हीनियस क्राइम को लेकर कुछ बदलाव किए गए थे एक्ट में, उस हीनियस क्राइम का हवाला पुणे की पुलिस ने सेशन कोर्ट में दायर किया है कि इस पूरे मामले को लेकर एक बार वापस से सुनवाई की जाए, क्योंकि मामला काफी गंभीर है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है, रश हिट एंड रन का मामला है। तो कल इस पूरे मामले में सेशन कोर्ट जो पुणे की है वो एक नया फैसला जरूर सामने आ सकता है। हो सकता है कि इसे जुवेनाइल के तहत नाबालिग के तौर पर ना बल्कि एडल्ट के तौर पर ये मामला चले, और इसमें एक बड़ी सजा का एक प्रावधान जो है वो कल निकल के सामने आ सकता है। जी रितु जी, जी सर्वेश, कई 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 बिगड़ी हुई औलादों की वजह से ऐसे कई हादसे होते हैं और मासूमों की जान चली जाती है, सिर्फ सर पे बिठाकर रखा जाता है, सब तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, कहीं ना कहीं माँ बाप की भी गलती है। और अब जब गिरफ्तारी बाप की हुई है, शराब जो पब चालक है उसकी भी हुई है, क्या ये सिर्फ काफी है? इसमें बहुत जरूरी है महत्वपूर्ण डिसीजन लेने का कि ऐसे कई सारे नाबालिग हैं जो गलत फायदा उठाते हैं या माँ बाप ऐसे सर पर चढ़ा के रखते हैं और दूसरों की जान पर बनाती है, तो ऐसा कुछ एक्शन लेना बहुत जरूरी है।
ऐसा एक्शन जो मिसाल पेश करे। इस तरह से मामला टोटली पब्लिकली पब्लिक के सामने आ चुका है, तो अब कोई गुंजाइश इसमें बची नहीं है कि किसी का भी बड़ा रसूख या किसी का बड़ा दबाव इस पूरे मामले में काम आएगा। अदालत पूरी तरीके से इस मामले में इस जहां तक कानून की बात की जाए, अगर इसको हीनियस क्राइम के तौर पर देखें, तो डेफिनेटली इस केस को पूरी तरह से एडल्ट के रूप में ही अदालत चलाने के जरूर आदेश दे सकती है। इतना ही नहीं, जिस तरह से ये पूरा कांड हुआ है, जिस तरह से रश ड्राइविंग का मामला आया, दो लोगों की मौत हो गई है जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, बतौर इंजीनियर के तौर पर पुणे में काम कर रहे थे। मुंबई सहित महाराष्ट्र के जितने भी पब और डिस्को या बार हैं, वहां पर अब उनके लिए एक बड़ी मुसीबत सामने आ सकती है कि हो सकता है कि वो लोग जितने भी नाबालिग लोग हैं अब उनको एंट्री देना बंद हो जाए, क्योंकि इस मामले में ये काफी संजीदा और संवेदनशील मामला हो गया है, बहुत ही हाइप हो गया है। तो मुंबई के और महाराष्ट्र के जितने पब बार या डिस्को हैं, वहां पर अब नाबालिगों के शायद एक एंट्री करने के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी या एक कई सारी बातें हैं। हालांकि इस पर फैसला जल्द आएगा, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं, और यह भी कहा जा रहा था कि संरक्षण देने के आरोप भी हैं। जब थाने पर आरोपी को लेकर पहुंचे तो पिज्जा खिलाकर उनका स्वागत किया जा रहा था। तो सभी चीजों में बारीकी से अब जांच पड़ताल बहुत जरूरी है और जल्द से जल्द कार्रवाई भी बहुत जरूरी है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। इसी पर आखिर डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। आप अगर टाइमिंग देखिए तो आपके ध्यान में आएगा, सही वक्त पर एफआईआर दाखिल हुआ। एफआईआर दाखिल होने के बाद जब सीनियर से इंटरवेंशन किया और सीनियर ने कहा कि 304A ये तो एक प्रकार से उनको नेग्लिजेंस का फायदा मिलेगा, इसमें तो क्लियर कट ये दिख रहा है क्या घटनाएं हुई है। इसलिए जब उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया उस समय 304 ही लगाया गया, कोई नेग्लिजेंस इसमें नहीं है, कोई दबाव नहीं है। और मैंने तो इतना ही नहीं, सीपी साहब को एक कहा है, एक एसीपी को हमने पूरा जितना समय वो पुलिस स्टेशन में जो लोग थे उस पूरे समय का सीसीटीवी फुटेज देखने को कहा है। इसमें अगर कोई दबाव डाल रहा है, उनको कोई अलग से मदद की गई है, ऐसी कोई भी चीज होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए।